बीते दिन प्रदेश में हुए भारी हिमपात के बाद शिमला शहर में अब हालात काफी सुधर चुके हैं, लेकिन लोगों को अभी भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने शिमला शहर की सभी सड़कों से बर्फ को हटा लिया है और लगभग सभी सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। जिला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण शहर की सारी सड़कें बंद हो गई थी। प्रशासन ने शाम को जैसे ही बर्फबारी रुकी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया था। सुबह से सभी सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं। शहर में बिजली और पानी की आपूर्ति भी सुचारू रूप से की जा रही है। देखिए, जो एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस कल आया था और काफी स्ट्रॉन्ग एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस था, इससे जो है काफी भारी हिमपात जो है शिमला टाउन और शिमला जिले में जो है वो हुआ था। कल जब हम सड़कें क्लियर कर रहे थे तो जैसे जैसे क्लियर करते थे हिमपात इतना भारी था कि सड़कें दोबारा से अवरुद्ध हो रही थी। और कल फिर हमने शाम को एक मीटिंग की थी और उसमें ये निर्णय लिया था कि जैसे ही बर्फबारी थमेगी हमारी जितनी मशीनरी है, चाहे वो PWD की है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की है, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है, उसको तुरंत प्रभाव से डिप्लॉय किया जाएगा। 6 बजे के लगभग जो है बर्फबारी में जो है थोड़ा स्लो हो गई थी और सवेरे 5 बजे तक ये मशीनरी जो है डिप्लॉयड रही और सारी जो सड़कें हैं शिमला शहर की, आपने भी देखा होगा, उनको क्लियर कर दिया गया है। इस समय चाहे बाईपास है, चाहे कार्ट रोड है, चाहे माल रोड है, और जितनी भी लिंक रोड्स हैं शिमला शहर में, ये सब क्लियर हैं। और HRTC की बसेज जो हैं अप्लाई कर रही हैं, प्राइवेट बसेज जो अप्लाई कर रही हैं, पर्यटक जितने बाहर से आ रहे हैं वो शिमला शहर को बड़े आराम से जो है एंटर कर पा रहे हैं। जहाँ तक रही बात बिजली की, शिमला शहर में एक लोकेशंस है, एक तो रिचमाउंट एरिया और एक जो कुफ्टादार एरिया है, यहाँ पर बिजली नहीं है, परंतु इसको जो है आज दोपहर तक ठीक कर दिया जाएगा। जितनी लिंक रोड्स हैं जैसे मैंने बताया शिमला टाउन की, वो सब क्लियर है। पानी जो है सारी लोकेलिटीज़ में सुचारू रूप से जो है चल रहा है। जहाँ तक बात रही शिमला ज़िले की, कुफरी के आगे जो रोड है उसको जो है 2 या 3 बजे तक आज खोल दिया जाएगा। नारकंडा में लगभग 2.5 से 3 फुट बर्फ है, खड़ा पत्थर में लगभग 3 फुट बर्फ है, और जो चुपाल की तरफ रोड जा रहा है खिड़की एरिया, उसमें भी जो है 3 फुट के करीब बर्फ पड़ी हुई है। जो बहुत ज़रूरी गाड़ियां हैं चुपाल साइड को जा रही लाइट व्हीकल्स, उनको हम जो है निकलवा रहे हैं वहां से, परंतु हमारी मशीनरी जो है डिप्लॉयड है चुपाल से ठोक की तरफ भी और चुपाल से नेरवा की तरफ भी, ताकि रोड्स को तुरंत प्रभाव से रिस्टोर किया जाए। जहाँ तक रही बात खड़ा पत्थर रोड की, जो रोडू साइड को जा रही है, उसको आज दोपहर बाद खोल दिया जाएगा। वहाँ भी जो है लगभग 3 फुट के करीब बर्फ है। रोडू एरिया में जो है बिजली जो है वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल रही है। माननीय जो CM महोदय ने भी जो है निर्देश दिए कि उसको जो है तुरंत प्रभाव से जो है ठीक किया जाए, और ये जो MD है बिजली बोर्ड को, उनको उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। जो नारकंडा और रामपुर की रोड है उसको भी जो है आज शाम तक खोल दिया जाएगा।